हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अब हम बात करेंगे, एक एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, बेसिकली मोल फ्रैक्शन के ऊपर न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैंने सोचा था कि डेफिनेशन जब मैंने मतलब मोल फ्रैक्शन के बारे में मैंने समझाया तो उसी के साथ मैं न्यूमेरिकल करा दूँ, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू हो गया, अब पूरा मेहनत फिर से बेकार हो गया, तो फिर से बताना पड़ेगा, इसलिए अब इसका अलग से सेपरेट में वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसको आप न्यूमेरिकल को देखिएगा कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, समझिएगा, एक एक पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। बेसिकली मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, और एक सॉल्यूशन है जिसमें बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड है, और जो बेंजीन है वो मास के अकॉर्डिंग 30% है। तो इसका मतलब ये पता चल रहा है कि बेंजीन मास के अकॉर्डिंग 30% है, तो 70% क्या होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा। तो इसका मतलब हम ये सोच सकते हैं कि जो बेंजीन है वो सॉल्यूट और कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। और मोल फ्रैक्शन किसका पूछा है, बेंजीन का पूछा है, मतलब सॉल्यूट का पूछा है। और हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन में फॉर्मूला पढ़ रखा है पूरा डिटेल में, किस तरीके का फॉर्मूला अप्लाई होगा, सॉल्यूट के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सॉल्वेंट के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मोल फ्रैक्शन में। ठीक है, तो चलिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक बात को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मास ऑफ बेंजीन, और यहां पर बेंजीन क्या है, सॉल्यूट है, और बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है, तो कितना है यहां पे 30 ग्राम है। ठीक है, तो अगर हम यहीं पे कैलकुलेट कर लें मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 को कहते हैं, ठीक है, CCl4 जो होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड को कहते हैं, और ये क्या है यहाँ पे सॉल्वेंट है। तो इसका निकालने के लिए मास क्या करेंगे, 100 में से 30 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 70 ग्राम आएगा। बात समझ में आया, इतना क्लियर होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम कैलकुलेट करेंगे इनका मोल्स। तो अगर हम मोल्स कैलकुलेट करेंगे तो उससे पहले हमको चाहिए इनका मोलर मास चाहिए। तो मोलर मास ऑफ बेंजीन, मोलर मास ऑफ बेंजीन, बेंजीन का मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 होता है। कार्बन कितने बार है, 6 बार है, तो 6 गुणे कार्बन का मास कितना होगा, 12 होगा, हाइड्रोजन 6 टाइम, 6 × 1 हो जाएगा, तो 12 × 6 = 72, 6 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 78 आ जाएगा। बात समझ में आया, बेंजीन का मोलर मास कितना आएगा, 78 आएगा। ठीक है, एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ कहीं कटौट नहीं ना रहा है, नहीं दिक्कत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कटना नहीं चाहिए, एक मिनट, हाँ एवरीथिंग ओके, सब ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इतना तो हो गया, अब मोलर मास कैलकुलेट करते हैं किसका, मोलर मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो कार्बन का 12 हो जाएगा प्लस क्लोरीन 4 टाइम, 4 × क्लोरीन का होता है 35.5, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 153.82 आएगा, लेकिन हम लोग इसको मान के चल लेते हैं 154, इतना हम लोग मान के चल लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे क्या करना है इसको सर बताइए, अब आगे कैसे लगाएंगे, जरा बात को समझो। अब तो डायरेक्ट फॉर्मूला कैलकुलेट लगाना है, कैसे, अब यहाँ पे मोल्स कैलकुलेट कर ले। पहले मोल्स किसका निकालेंगे, बेंजीन का निकालेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों का निकालेंगे। तो बेंजीन के केस में स्मॉल एन रहेगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, C6H6। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेंजीन कितना है, 30 ग्राम है, तो 30 लिखेंगे। अब इसके बाद इसका मोलर मास कितना है बेंजीन का, 78। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो बेंजीन का मोल्स निकाल रहे हैं तो वैल्यू कितना आएगा, मतलब यहाँ पे इसका जो वैल्यू आएगा, 0.3846 आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड का क्या करेंगे, मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए जो मोलर मास होगा CCl4, ठीक है, यहाँ पे एन है, ये सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट के लिए कैपिटल एन, सॉल्यूट था तो स्मॉल एन मैंने लिखा था। ठीक है, तो अब यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है बच्चों कितना है, यहाँ पे इसका ग्राम 70 डिवाइडेड बाय 154, इसको सॉल्व करेंगे 0.4545 आएगा मेरे हिसाब से, 0.4545
0.4545 ये आएगा इसको सॉल्व करने पे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला। क्या लगाएंगे? फॉर्मूला लगाएंगे। अब फॉर्मूला लगाएंगे तो किस तरीके से लगाएंगे? मोल फ्रैक्शन है किसका? बेंजीन का, C6H6 का कैलकुलेट करना है। अब मोल्स ऑफ बेंजीन होगा तो बेंजीन का मोल्स कितना है? 0.3846 डिवाइडेड बाय, फिर से क्या लिखेंगे? मोल्स ऑफ बेंजीन 0.3846 यहां पर प्लस मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना है? 0.4545। जब यहां पे कैलकुलेट करेंगे C6H6 मोल फ्रैक्शन बेंजीन का तो 0.458 आएगा, 0.458 आएगा। तो ये यहां पे मोल फ्रैक्शन हो जाएगा बेंजीन का फाइनल आंसर जो हमको कैलकुलेट करना था। अगर तुम बच्चों, अगर हमको निकालना होता मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट यहां पे कौन है? कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो इस केस में क्या होता? मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, फिर यहाँ पे क्या होता? मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस मोल्स ऑफ बेंजीन, इसके बाद सॉल्व करते हैं आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से यह प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अभी हम लोग एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, बाद में क्या करेंगे वन शॉर्ट वीडियो में पूरा केवल न्यूमेरिकल के ऊपर ही बात करेंगे, टोटल न्यूमेरिकल के ऊपर बात करेंगे जिस दिन बात करेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल में थ्योरी न्यूमेरिकल ऐसे करते चलेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।